नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं देशी न्यूज़। कल यानी कि 12 सितंबर को रामविलास पासवान की बरसी है, जिसको लेकर उनके पुत्र और रामविलास पासवान के समर्थक ने अपनी कमर कस ली है और जोरदार तैयारियां हो रही हैं उनकी बरसी को लेकर के। पटना के तमाम चौक चौराहों को पोस्टरों से भर दिया गया है। तमाम जो लोजपा के छोटे बड़े नेता हैं चिराग गुट के, वो पोस्टरों के माध्यम से लगातार जो है वो चौक चौराहों को भर दिए हैं और लोगों को बरसी में आने का आमंत्रण भी दिया गया है। वहीं चिराग पासवान और उनके नेताओं ने तमाम पार्टियों में जाकर आमंत्रण पत्र दिए हैं और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेताओं को भी बरसी में आने का आमंत्रण दिया है। और बड़ी बात यह है कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारा, जिन पर आरोप लग रहा था कि उन्होंने पार्टी को तोड़ दी है, उन्होंने भी बरसी में आने की सहमति जता दी है और वो भी आज शाम पटना पहुंच रहे हैं और वो भी कल बरसी में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात ये है कि कल उनके बरसी में शामिल होने से जो दूरियां हैं वो घटती है या नहीं। वहीं जो जदयू के भी जो तमाम नेता हैं वो भी इस बरसी में शामिल होंगे और जदयू पे लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जदयू पार्टी ने ही लोजपा में दो फूट की है। अब कल ये देखना होगा कि कौन कौन से नेता इस बरसी में आते हैं। हालांकि खबर तो ये भी थी कि लालू प्रसाद यादव भी बरसी में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि जो जवान लोग हैं यानी कि तेजस्वी यादव, वो बरसी में ज़रूर शामिल होंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पटना के सारे चौक चौराहों सड़कों को पोस्टरों से भर दिया गया है रामविलास पासवान की बरसी को लेकर के और जोरदार तैयारियाँ हो रही हैं। ये बरसी चिराग पासवान के घर पे मनाई जाएगी। हालांकि ये बरसी लोजपा कार्यालय में मनाई जानी चाहिए थी, लेकिन लोजपा के दो फूट होने के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी की गतिविधियों को अपने घर से ही चला रहे हैं। उन्होंने उस घर को ही अपना कार्यालय, पटना का लोजपा कार्यालय बना लिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से चिराग गुट ने पूरे पटना के सड़कों को पोस्टरों से भर दिया है रामविलास पासवान की बरसी को लेकर के। अब तेजस्वी यादव तो अपने आने की सहमति जता चुके हैं, वहीं चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस वो भी आज शाम पटना पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें आमंत्रण दिया है और हम ज़रूर इस बरसी में शामिल होंगे। हालांकि नीतीश कुमार को भी बरसी में आने का आमंत्रण दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान की बरसी में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जदयू को करारा झटका दिया था, जिसके बाद जदयू को सबसे कम सीट आई थी, जिसके बाद से ही जदयू और लोजपा में खटपट चल रही है। और ये कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोजपा में जो दो फूट हुई है उसमें जदयू के नेताओं का बड़ा हाथ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री रामविलास पासवान की बरसी में शामिल होते हैं नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रामविलास पासवान के राजनीतिक सहयोगी रह चुके हैं लालू यादव की तरह। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री शामिल होते हैं या नहीं और कौन कौन से नेता रामविलास पासवान की बरसी में आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।